हेलो दोस्तों, आज हम एक ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडाशय में गांठ। बहुत सी महिलाएं और लड़कियां इसे इग्नोर कर देती हैं, लेकिन अगर इसका समय से पता लग जाए तो इसका इलाज आसान हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओवेरियन सिस्ट एक फ्लूइड फिल्ड सैक है जो कि ओवरीज यानी कि अंडाशय में बनता है। आमतौर पर ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होते और बिना किसी लक्षण के खुद ही ठीक भी हो जाते हैं, पर कुछ गांठें ऐसी भी होती है जो आपको ज़्यादा दर्द और तकलीफें दे सकती है और जिनका इलाज ज़रूरी होता है। ओवेरियन सिस्ट दो प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले आती है फंक्शनल सिस्ट, ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है और ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती और जो कुछ टाइम बाद खुद ही ठीक हो जाती है। दूसरी होती है पैथोलॉजिकल सिस्ट, ये थोड़ी सी सीरियस टाइप की गांठ हो सकती है जो किसी इन्फेक्शन या फिर सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से हो सकती है और इसका इलाज कराना ज़रूरी होता है। बात करेंगे इनके लक्षणों की। इनके लक्षणों में शामिल हो सकता है पीठ के नीचे या फिर पेल्विक एरिया में दर्द रहना। ये दर्द कभी कभी असहनीय और तीखा भी हो सकता है। पीरियड्स के साइकिल में बदलाव आपको देख सकते हैं, लेट पीरियड आना या फिर ज़्यादा दर्द होना। पेट में सूजन हो सकती है या फिर हल्का आपको भारीपन भी महसूस हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट में आपको जी मचलाना और उल्टी आना जैसे कारण भी दिख सकते हैं और इसी के साथ कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट में सूजन, गांठ जैसा महसूस भी हो सकता है और साथ में थकान, कमजोरी, ये तो रहते ही। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह। बात करते हैं इसके कारणों की। तो इसके कारणों में सबसे पहले आता है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, इससे गांठ बनना आम हो जाता है। नंबर पे आता है एंड्रोमेट्रोसिस, इस कंडीशन में यूट्रस के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ओवरीज पर ग्रो करने लगते हैं जिस वजह से गांठ बनती है। तीसरे नंबर पे आता है पेल्विक इन्फेक्शंस, अगर पेल्विक एरिया में अगर इन्फेक्शन हो तो उसका इफ़ेक्ट ओवरीज पर पड़ता है और सिस्ट बन सकती हैं। और आखिर में आता है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में फंक्शनल सिस्ट बन सकती हैं जो टाइम के साथ ठीक भी हो सकती है, इसलिए ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होती। अंडाशय में गांठ का पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपके डॉक्टर पेल्विक को एग्जामिन करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको MRI या फिर अल्ट्रासाउंड की सलाह कर सकते हैं जो कि मदद करता है सिस्ट का टाइप पता करने में और उसकी वजह पता करने में। ओवेरियन सिस्ट का इलाज पूरी तरह से निर्भर करता है उसके साइज पर और वो किस वजह से होता है, लेकिन कुछ इसके कॉमन इलाजों में शामिल हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑब्जर्वेशन, अगर आपका सिस्ट यानी कि गांठ ज़्यादा बड़ी नहीं है तो डॉक्टर थोड़ा टाइम रुक के उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है दवाइयाँ, आपके डॉक्टर्स कुछ हार्मोनल बर्थ पिल दे सकते हैं जो कि गांठ को बनने से रोकती हैं। में आता है सर्जरी, अगर गांठ बड़ी है, ज़्यादा दर्द कर रही है या फिर गांठ टूट गई है तो ऐसे में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको असहनीय दर्द हो, अचानक वेट बढ़ गया है, सूजन या फिर थकान महसूस हो रही है तो ऐसे में बिल्कुल देरी ना करें, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है और तुरंत डॉक्टर से सलाह करके अपना इलाज शुरू करें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी तरह की जानकारी और आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कराने के लिए आज ही 8859 8859 पर संपर्क करें।